हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। गाइस, वीडियोस के कमेंट में बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं कि जो काउंसलिंग फॉर्म्स हैं क्या उनको वो बच्चे भी फिल कर सकते हैं जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम है या नहीं है। तो इस वीडियो में हम यहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइस देखो, अभी एम्स ने एक शेड्यूल रिलीज़ किया था जिसमें कि आपकी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के डेट्स हैं, उसमें एक मॉक राउंड भी है। उसको लेके बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं कि उनमें वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका लिस्ट में नाम है या नहीं। तो गाइस देखो, आपका जो शेड्यूल आया है, इस शेड्यूल में आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें फर्स्ट मॉक राउंड जो है ये पहली प्रैक्टिस के तौर पे दिया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मॉक राउंड है जो कि होता है जब आपकी फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग हो जाती है उसके बाद जो राउंड होता है, ये वो राउंड नहीं है। ये मॉक राउंड प्रैक्टिस के लिए है ताकि जो बच्चे काउंसलिंग के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनको थोड़ी नॉलेज हो जाए। और गाइस यहाँ पे आप डेट्स भी देख सकते हो कि सेकंड काउंसलिंग की डेट्स और फर्स्ट काउंसलिंग की डेट बिल्कुल सीक्वेंस में है, तो इनमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि क्या जिन बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं है वो इनको फिल कर सकते हैं, या सारे बच्चे फिल कर सकते हैं, या जो जिनका नाम फर्स्ट लिस्ट में है वहीं फिल कर सकते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ लास्ट में एक बॉक्स गिवन है। तो गाइस उस बॉक्स में आपकी जो सारी जितनी भी क्वेरी है वो सोल्व कर रखी है। आप उसको एक बार ध्यान से पढ़िए, देखिए। चलिए एक बार हम भी आपको दिखा देते हैं कि क्या उसमें गिवन है। तो गाइस देखिए, उसमें गिवन है कि ये सिर्फ उन्हीं, ये लिंक उन्हीं के लिए अवेलेबल होगा, एक्टिवेट होगा जो कि एलिजिबल हैं फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है सिर्फ वहीं इन इस एप्लीकेशन राउंड को या इस काउंसलिंग के राउंड को फिल कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मॉक राउंड में सभी बच्चे कर सकते हैं जिनका लिस्ट में नाम है या नहीं है। तो गाइज आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि जिन बच्चों के नाम इस लिस्ट में नहीं हैं वो बच्चे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अभी एक सेकेंड लिस्ट आएगी जिसमें आपका नाम में भी हो सकता है और आप सेकेंड काउंसलिंग के लिए फिर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए आप वेट कीजिए। अभी आप फर्स्ट लिस्ट में आप अपना नाम फिल नहीं कर सकते हो, काउंसलिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ सेकंड लिस्ट एंड मॉक राउंड में आप ज़रूर फिल कर सकते हो। सो गाइस डोंट लूज होप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाएँ। गाइस मैं इनके साथ साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ साथ आपकी एमएनएस के लिए और एम्स बीएससी नर्सिंग जैसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन भी करवाती हूँ। तो प्लीज़ गाइस आप मेरे चैनल से जुड़िए ताकि आप 2021 के एग्ज़ाम को टॉप रैंक से क्रैक कर पाएँ और आपको आगे कोई भी टेंशन ना हो अपने सिलेक्शन को लेकर। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि मुझे भी आप लोगों से सपोर्ट मिले। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कमिंग हियर।